बिहार राज्य पथ परिवहन निगम की नई बसें चलाने के लिए तैयार हो गई हैं। अब परमिट मिलने का इंतजार हो रहा है। आपको बता दें कि 70 बसों में से 50 बसें पटना आ भी चुकी हैं। बसों के परमिट और निबंधन की प्रक्रिया पूरी की जा रही है। फरवरी प्रथम सप्ताह तक सभी 25 इलेक्ट्रिक बसें भी पटना आ जाएंगी। बिहार राज्य पथ परिवहन निगम बसों को संचालन करेगा। उसके लिए नई रूटों की भी तैयारी की जा रही है। निगम अधिकारियों का कहना है कि सभी बसों को आने की प्रक्रिया जल्दी पूरी कर ली जाएगी। इस बीच परमिट लेने की प्रक्रिया पूरी हो रही है। बसों के पहुंचते ही निबंधन कराया जा रहा है। सभी प्रक्रिया पूरी होने के बाद बसों का परिचालन शुरू कर दिया जाएगा। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के हाथों से बस परिचालन की शुरुआत की जाएगी। राज्य में सभी 38 जिलों को जोड़ने वाली रूट तैयार की जा रही है। 70 बसों में से 15 बस वातानुकूलित होगी। साथ ही दिल्ली और वाराणसी को भी बस जोड़ेगी। भूटान भी जाना आसान हो जाएगा। बिहार की राजधानी पटना से राज्य के सभी जिला मुख्यालय को बिहार की ये सारी बसें जोड़ेंगी। यातायात सुविधा में विस्तार भी हो जाएगा। मोतिहारी से भूटान की सीमा जयगांव तथा बक्सर से गाजीपुर सहित कई स्थानों के लिए बसों का परिचालन शुरू कर दिया जाएगा। नेपाल के जनकपुर काठमांडू जाना भी आसान हो जाएगा। साथ ही साथ पटना सिटी बस सेवा की बेरा में इलेक्ट्रिक बसों का भी एक जत्था जुड़ जाएगा। आपको बता दें कि इसके लिए 25 इलेक्ट्रिक बस पटना की सड़कों पर चलाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। फुलवारी शरीफ केंद्रीय कर्मशाला में इलेक्ट्रिक बसों के चार्ज के लिए स्टेशन का निर्माण कर दिया गया है। परिवहन निगम के प्रशासक श्याम किशोर ने नई बसों के परिचालन के पूर्व की तैयारियों में जुटे हुए हैं। परिचालन शुरू होने के बाद पटना आना आसान हो जाएगा। पटना से राज्य के सभी क्षेत्रों के लिए परिवहन निगम की बसें आसानी से मिलने लगेंगी। न्यूज़ डेस्क नेशन न्यूज़ पटना।